नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। आज हम रातों रात में आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा रातों रात का, वो काफ़ी हॉट मुद्दा रहा है बिहार के चुनाव में। जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें ये काफ़ी जो मुद्दा है वो काफ़ी हॉट मुद्दा रहा है। हम बात कर रहे हैं NDA में जो लगातार जो घमासान चल रहा है। NDA में कहा जा रहा था कि लगातार पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसको लेकर चिराग पासवान जो है अलग हुए थे। अब जो खबरें ये आ रही हैं कि चिराग पासवान पर जो BJP के बड़े बड़े जो नेता हैं, अब वो भी वार करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके खिलाफ वो भी मुखर होकर बोल रहे हैं। अब इन सब चीज़ों में क्या राज छुपा है, इसके बारे में आपको बाबा बताएंगे, क्योंकि यह जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है। तो बाबा, क्या राज आखिरकार छुपा है कि चिराग पासवान पे जो BJP के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, पहले नहीं बोल रहे थे, अब जो है अचानक जो है वो सामने भी आ रहे हैं और इन मुद्दों पर लगातार खुलकर बात भी कर रहे हैं। प्रिया, बड़ी सुंदर कहावत है हमारे बिहार में कि घी की का लड्डू जो है वो टेढ़ा भी वाला। जी, इसी पर एक आया था जो वो फास्ट फूड वगैरह में चलता है, टेढ़ा है पर मेरा जी, है वगैरह, कुरकुरे की बात कर रहे हैं, इस तरह का बने सब बातें आ रही थी जी। इन सब के बीच में जो बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन महत्वपूर्ण बातों में एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि चुनाव जिस मुद्दे पर भी हो रहे हों, वो मुद्दा अब धीरे धीरे नज़र आने लगा है जी। हालांकि इस मुद्दे को अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, 15 साल बनाम 15 साल करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अचानक से कुछ युवाओं ने जी इन सारे मुद्दों को, जो पुराने मुद्दे थे उसे फिर से, पुरानी जड़ें जो उखाड़ने की व्यवस्था की जा रही थी उसे ख़त्म करते हुए नए मुद्दों पर, रोजगार पर बात होने लगी, शिक्षा पर बात होने लगी, अस्पताल पर बात होने लगी, कोरोना पर बात होने लगी, बेरोजगारी पर बात होने लगी। और ये कहीं ना कहीं एक बात बता रहा है कि आने वाले समय में ये जो नई पीढ़ी है जी, आगे क्या करेगी ये तो अलग बात है, लेकिन वर्तमान में जो चीजें तय हो रही हैं वो निश्चित रूप से एक पटल पर जा रही हैं। और इसके कारण ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद आप जनता जनार्दन जो भी परिणाम दे, उस परिणाम का जो परिणति होगा वो कहीं ना कहीं एक सुखद अंत की तरफ लेके जाएगा। जी, बिल्कुल। बदलाव की बात हम लगातार कर रहे हैं, बदलाव की बातें जनता भी कर रही है, लोग बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, सवाल निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे जी, बिल्कुल। आप साल भर पढ़ते हैं जी, तो क्या परीक्षा में सवाल आपसे नहीं पूछे जाते हैं? बिल्कुल पूछे जाते हैं, उस पर अंक नहीं दिए जाते हैं? दिए जाते हैं। तो अगर नीतीश कुमार से सवाल पूछे जा रहे हैं और वो जवाब नहीं देंगे तो क्या पास करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। जब आप स्टूडेंट होते हुए, भले आपको टीचर नहीं पढ़ाए जी, लेकिन जिम्मेवारी आपकी परीक्षा के दिन होती है कि आप सवालों को बेहतर ढंग से जवाब दें, और जवाब देने के बाद कहीं ना कहीं आप उस जवाब पर अंक भी पाएं। जी बिल्कुल। अंक पाने और जवाब देने की इस जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं एक बात तो सामने आ रही है, वो बात यह है कि चिराग पासवान के ऊपर से इसी बीच में चुनाव के दरमियान ही सर से साया पिता का उठ गया है। निश्चित रूप से एक दुखद बात है, किसी भी युवा के सर से जब पिता का साया उठ जाता है तो निश्चित रूप से उसे बहुत रिक्तता नजर आती है। पिता है तो स्वाभिमान है, पिता है तो अभिमान है, पिता है तो गर्व है, बहुत सारी बातें कही जाती है छंद में, कविताओं में, हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। जीवन में आपके ऊपर एक हाथ होना बहुत जरूरी होता है जिस पर आप भरोसा कर सकें। जी बिल्कुल। वही दूसरी तरफ आप देखें, हम तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे शुरुआत में ही, आपने हेडलाइन में ये बातें लिखी है कि क्या तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे चिराग पासवान? जी बिल्कुल, बिल्कुल वही स्थिति तेजस्वी यादव की भी है। तेजस्वी यादव के पिता होते हुए उनके पिता उनके साथ नहीं है जी। कहा तो यह जा रहा है कि चारा घोटाला उन्होंने किया, मुख्यमंत्री हैं तो आपको जो परिणाम की बात हम बता रहे थे, जो हम बता रहे थे कि आपको अंक दिए जाएंगे, उन अंकों की बात कर रहे थे हम, वो अंक कहीं ना कहीं आपके सामने आकर के खड़े हो गए हैं। जब लालू प्रसाद ने चारा खाया नहीं था जी, चारा ढोया नहीं था, चारा अपने घर में रखा नहीं था, लेकिन चारा घोटाले में जेल में तो है जी, बिल्कुल, क्योंकि वो शिक्षक थे जिसके सामने बच्चों की परीक्षा चल रही थी, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। अब बच्चे अगर फेल हो जाते हैं या गलत करते हैं तो मॉनिटर की ही और या फिर हेड की ही गलती होगी और जिसके कारण उन्हें जेल में जाना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव भी अब पिता के बिना चुनावी मैदान में आए हैं और ये दोनों युवा जो हैं
स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार में अब किसी बुजुर्ग से काम चलने वाला नहीं है, एक मजबूत कंधा चाहिए जो बिहार को दूर तक खींच करके ले जाए, क्योंकि 15 साल बनाम 15 साल करने के चक्कर में, सिर्फ ये दिखाने के चक्कर में नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया कि लालू प्रसाद ने क्या किया था जी। इतना ही नहीं, अब यह स्थिति हो गई है कि इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने भी नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने का जो एक लेगेसी अपना बना लिया है कि नीतीश कुमार के पीछे ही चलेंगे, नीतीश कुमार अच्छा बोले बुरा बोले जो बोले उनके पीछे पीछे रहेंगे। और इसमें सुशील मोदी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर देते हैं, जैसे नहीं होता है कि एक लड़का जो है कहीं प्रेम करता हो और उसके घर वाले चाहते हो कि मतलब शादी वहां नहीं हो, तो बार बार घर वालों को डराता हो कि हम छत से कूद जाएंगे, जहर खा लेंगे, ट्रेन के नीचे आ जाएंगे, मजबूर होके जो घर के गार्जियन है वो कहते हैं कि जो जो करना है कर लेकिन जिंदा तो रहो जी। वही स्थिति शायद भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब जरूरत महसूस हुई थी, जब प्रेस वार्ता के लिए दोनों ही संयुक्त रूप से आए तो फिर चारों क्यों नहीं आए थे, एक सवाल क्वेश्चन मार्क बड़ा है ना जी, बिल्कुल, कि चार दल जब एनडीए में है तो फिर दो ही दलों के साथ क्यों हुआ जी। कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ बातें थी जी, बिल्कुल, सवाल लेकिन किंतु परंतु थी जी। जब आपने समय तय किया कि 5 बजे होगा, फिर 6 बजे होता है, उससे पहले बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जी। क्यों होता है? यह बताने के लिए होता है कि नीतीश कुमार जी रुसे हुए हैं, मतलब बरियात में लड़का के फूफा रुसे हुए हैं कि भैया उनका अगिया कहानी मांगा गया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये जिद ठान लिया था कि आप लोगों से पहले जाके कह आइए जी, बिल्कुल, कि भैया हम ही दुल्हा बनेंगे जी, और मौरी भी हमरे सजेगा और विदाई भी हम ही कराएंगे जी। यानी कि आप कह दीजिए कि हम नेता तो हैया है, कप्तान तो हैया है, लेकिन मुख्यमंत्री भी हम ही बने जी। इस बात की आज भी पुष्टि हुई है, अमित शाह ने आज भी कहा है कि चाहे कितनी भी सीटों पे भाजपा जीत जाए लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। बिल्कुल, अब स्थिति यह है कि ये सारी बातें हैं, इन सब बातों में एक बात सामने आई है जी, जहां सुशील मोदी जस्ट उल्टा बात कर रहे हैं। एक तरफ जहां अमित शाह ये कह रहे हैं कि नहीं चिराग हमारे हैं, चिराग के साथ हमारी सिंपैथी है, चिराग के साथ हमारा बड़ा गठबंधन है, चिराग हमारे साथ बहुत लंबे समय से रहे हैं, उनके पिता भी मेरे साथ रहे हैं। और चिराग ने एक बात स्पष्ट कर दी कि जो मेरे पिता ने हमसे कहा था मैं वही एक्ट कर रहा हूं, मैं कोई अपने मन से नहीं कर रहा हूं। मुझे हंसी आ रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि रामविलास पासवान होते तो ये गठबंधन अलग होता, लेकिन रामविलास पासवान जी का कहना था कि अगर नीतीश कुमार 2020 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, जिसका विरोध मैंने 2005 में किया था, तो निश्चित रूप से मैंने कहा था कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दीजिए जी। लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने थे। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं कि बिहार को बचाना है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार के फेंकना होगा, और यही एक्ट मैं कर रहा हूं। मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने देने का सब यत्न कर रहा हूं। अब इस पर चाहे जितना भी भारतीय जनता पार्टी कह ले, बी टीम ए टीम जो भी हम लोग इतना दिन से विश्लेषण करते आए हैं, ये बातें अब खुल करके सामने आ गई है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान का मोहभंग अब जिस तरह का एक्ट भारतीय जनता पार्टी करना शुरू कर चुकी है, खास करके पहले चिराग पासवान को नहीं लगता था कि जिस तरह से सुशील मोदी बोल रहे हैं उसका कोई वैल्यू है, लेकिन अब सुशील मोदी का वैल्यू इसलिए माना जा रहा है कि सुशील मोदी वो जो बताए नहीं जी, कि वो जो एक तरफा प्रेम वाली बात है या प्रेम में पड़े बच्चे की बात है, वो बार बार मजबूर कर दे रहा भारतीय जनता पार्टी को, तो चिराग पासवान का भी मोह भंग होता जा रहा है और बार बार चिराग पासवान पर कमेंट किए जा रहे हैं, भुटकटवा कहा जा रहा है, वगैरह वगैरह सब कहा जा रहा है जी, बिल्कुल। उस चिराग पासवान को जब नीतीश कुमार नहीं थे तब भी चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी और इंडिया का बहुत मजबूत पकड़ बना करके साथ दिया जी, बिल्कुल। अब जब बार बार चिराग पासवान को भुटकटवा कहा जाए, उनको कहा जाए हंसी है पर, उनको कहा जाए उनके पास क्या औकात है, तो ये औकात बताने के लिए वो जितने जगह पर नीतीश कुमार अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, वो खड़ा करने का पहले भी ऐलान कर चुके थे और वो उस पर उम्मीदवार की को खड़ा करके उस पर लड़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से अलग देखना होगा और दिलचस्प होगा ये कि जब जरूरत महसूस होती है सरकार बनाने की, जब आंकड़ों की गणित बैठाई जाएगी जी। जैसा कि लग रहा है कि किसी को भी बहुमत नहीं आएगा, अब तक जो हमारे पास रुझान आए हैं उस रुझान के हिसाब से, आपने देखा होगा कि 12 बजे रात में भी हमारे संपादक नमन मिश्रा आधी रात का एपिसोड आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, नेताजी जब गांव में पहुंचते हैं जनता का क्या मिजाज है, जनता क्या कह रही है, ये बातें भी आपको बता रहे हैं। और एक जगह से नहीं, अब तक कम से कम 40 से 50 विधानसभाओं के विशेष रूप से उस गांव के एक एक क्षेत्र से एक एक पंचायत से
हम घूम करके और सर्वे लेकर के आपके सामने आए हैं। उस सर्वे का रुझान यही है कि किसी के भी बहुमत की सरकार नहीं बन रही है और 2005 रिटर्न हो रहा है। बार बार चिराग पासवान उसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं और शायद ये इशारा 10 तारीख को देखने को मिल सकता है जी। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर जरूरत महसूस हुई तो पिछली बार तो रामविलास पासवान चाबी लेकर के चले गए थे, लेकिन अब तो सारे विकल्प मौजूद हैं जी। इसलिए कि आपके साथ मैं एक तरफ की बात करता हूं, फिर दूसरे तरफ का करूंगा। एक तरफ जहां महागठबंधन में कांग्रेस है, आरजेडी है और वामदल है, वहीं अगर चिराग का जोड़न मिल जाता है तो यह दही जम जाएगी। अगर दूसरे तरफ हम देखें तो 4 दल हैं जी। उधर संभावनाएं अपार हैं। चिराग ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अगर नीतीश को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में रहती है कि वो सत्ता में आ जाए तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा जी। तो एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। जो ये बातें जो हो रही हैं उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं जी। भले ही चिचिया के जब जोर से बहुत बार किसी बात को कहा जाता है तो इसका मतलब होता है कि झूठ है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अपने झूठ को छुपाने के लिए आप जितना जोर से बोलते हैं, इससे पता चलता है कि आप अपनी बातों को मनवाने के लिए मजबूरन झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सच को किसी दर्पण आईने की जरूरत नहीं होती है। सोना को मिट्टी में फेंक दीजिए, जब भी पानी पड़ेगा वो कीचड़ से बाहर निकलेगा तो उसकी चमक ज्यों की त्यों बरकरार रह जाती है। इसलिए आने वाले इस चुनाव में जो परिणाम 10 नवंबर को आएंगे, वो परिणाम एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि चिराग पासवान के लिए एक नया लालटेन तैयार है उनके बंगले में आने के लिए। और लालटेन ही क्यों, हाथ से लालटेन पकड़ के उस बंगले में आने के लिए तैयार है जी। और साथ में और भी बहुत कुछ मिलेगा, हसुआ बाली भी मिलेगा, हथौड़ा भी मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि जब घर में आपको मिल जाएगा, रोशनी आपको मिल जाएगी, हाथ आपको मिल जाएगा, तो कमाइए और खाइए, रोजगार की बात तो कर ही रहे हैं। दोनों युवा रोजगार की बात कर रहे हैं और इसके साथ अभी बहुत सारे युवा और भी जुड़ेंगे। इसलिए 10 तारीख के बाद इस बिहार का एक अलग नजारा देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी जी। बिल्कुल। चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान ने सुबह ही बहुत सारे ट्वीट किए, ट्वीट करके बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने नीतीश कुमार और भाजपा के जो उनके रिलेशन है उसको लेकर बिल्कुल प्रिया, हम उस पूरे विस्तृत ब्यौरे को, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग देख ही रहेंगे, लेकिन कुछ उसमें मुख्य बातें जो है, उन मुख्य बातों की तरफ इशारा जरूरी है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें सर्टिफिकेट की जरूरत किसी की नहीं है। वो क्या है बिहार की जनता जानती है, उनके पिता को भी जानती है और ये सब बातें वो कर चुके हैं। इसलिए अब हम सब इंतजार कर रहे हैं कि 28 तारीख को पहले चरण का मतदान हो जाए, 3 तारीख को दूसरे चरण का हो जाए, 7 तारीख को तीसरे चरण का हो जाए और 10 तारीख का इंतजार जैसे आपको है वैसे हमें भी है, राजनीतिक दलों को भी है। और इस सब इंतजार का जो लब्बो लुआब यही है कि कहीं अगर दो युवा, अब चूंकि पहले से भी युवा हैं, कन्हैया तैयार हैं, तेजस्वी तैयार हैं, कन्हैया ने स्वीकार कर लिया है कि हमारे नेता तो तेजस्वी यादव ही होंगे जी। अब चिराग पासवान की बारी है और चिराग पासवान के मन मिजाज में निश्चित रूप से एक बात तो तय मानी जा रही है कि अगर वो नीतीश के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं तो या तो वो तेजस्वी यादव के लिए लड़ रहे हैं या फिर भाजपा के लिए लड़ रहे हैं। अगर भाजपा के पास उतने संख्या बल नहीं होते हैं, गणित वो नहीं बैठता है, तो चिराग पासवान पूरे दल बल के साथ अगर एक नए युग की शुरुआत करें जैसे उनके पिता ने लालू प्रसाद के साथ शुरुआत की थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जी। तो आज का जो विश्लेषण था रातों रात का, आज यहीं पे समाप्त होता है। हम कल फिर एक नया टॉपिक और एक नए विश्लेषण के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।